ये है भाई, यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट सामने आप देख सकते हो। हिमालयन की रेंज आपको यहाँ से दिख रही होगी। ये देखो पूरी स्नो, वहाँ पर ग्लेशियर जमी हुई है। ये हमें एक प्यारी सी कैट मिली है यहाँ पर। ये है पूरा लेक का व्यू, देख सकते हो आप। ये देखो भाई सुबह का मॉर्निंग व्यू, क्या शानदार व्यू आ रहा है भाई। तो भाइयों हमारा जो है डिनर वगैरह हो चुका है कंप्लीट, और अभी हम फिलहाल घूम रहे हैं नैनीताल की माल रोड पर। इतना गंदा यहाँ पे जो है ना पूरा मतलब बसाया हुआ है। पार्किंग का इतना तगड़ा इशू है भाई, समझो 1.5 घंटे में तो पार्किंग मिली हमें। फिर होटल ढूंढो, कौन सा होटल बुक करना है, क्या करना है, उसमें टाइम लग जाता है। तो फाइनली जो है बाकी सब सेटल करके और अब यहाँ पर घूम रहे हैं। ओके, तो कुछ यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं माल रोड पे। ये भाई कुछ देख रहा है। तो ये आ चुके हैं भाई अपना नैना देवी टेम्पल। हमें तो लगता नहीं अब टेम्पल खुला हुआ मिलेगा। है अब तो रात मुश्किल है, अब तो मुश्किल है भाई रात हो तुम्हें। गोविंद वल्लभ पंत कुमार यहाँ पर ये माल रोड के जस्ट साइड में ही। ये किसकी है गाड़ी? जिला जज। अच्छा यहाँ पे नैनीताल का वो भी है ना हाई कोर्ट। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो भाई। ये देखो ये पूरी नैनी लेक है जो नैनीताल का मेन लेक है। और अंधेरा तो हो चुका है, ऊपर देख सकते हो आप टिमटिम आ रहे हैं पूरे जो होटल्स है वो पूरी जो मतलब यहाँ पे ये सिटी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे ज़मीन पर आ गए हो। कैसी लग रही है माल रोड? एक नंबर मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है। तो यहाँ भाइयों घूम रहे हैं माल रोड पर अपना, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या जगह मिलती है घूमने की। घूमने की तो खैर कुछ है नहीं, मेन माल रोड ही है, मार्केट एरिया है। सामान वगैरह खरीद सकते हो आप यहाँ पे, है ना, गिफ्ट वगैरह करने के लिए किसी को, घर वालों के लिए अपने कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। हालांकि मुझे तो कोई ऐसा शौक है नहीं कि मैं यहाँ के कपड़े खरीदूँ। जो नाइट का मतलब व्यू है पूरे नैनीताल लेक का वो काफ़ी अच्छा आता है। और चारों तरफ से जो पूरी सिटी है ना वो रात को लाइट अप हो जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे लेक में पड़ता है। चांद वगैरह भी निकला हुआ ऊपर की साइड और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी ये भाई बताएगा कैसा उसका एक्सपीरियंस है, कैसा लगा भाई नैनीताल? बढ़िया भाई। हैं, कैसा लगा नैनीताल? एक नंबर मसूरी चल रहे भाई नैना देवी मंदिर। अच्छा। के पास और ये आया गुरुद्वारा श्री। ये देखो पीछे पीछे देखो पूरी लाइट अप हो रखी है, वो पूरी जो पहाड़ी है। अच्छा ये यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, ये देख सकते हो आप। करेगा दर्शन? चले अभी चले। हाँ चलो चलो कर लो। तो यहाँ पर ये भाई टेम्पल है श्री माँ नैना देवी मंदिर, तो उसके दर्शन करने चलते हैं। जो नैनीताल है उसी के नाम पर ये बेस्ड है टेम्पल। ये है टेम्पल सामने जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये भाई मंदिर परिसर है, दर्शन वगैरह हमने कर लिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा शांति पीसफुल जो है एरिया है ये सारा। और ये जो नैना देवी मंदिर है इसके ही जस्ट बिल्कुल मतलब साइड में अटैच्ड है यहाँ पर ये नैनीताल लेक। अभी आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ और व्यू दिखाता हूँ सामने कितना शानदार व्यू आ रहा है। तो ये देखिए भाइयों, ये है पूरा लेक का व्यू, देख सकते हो आप ऊपर जो लाइट जल रही है उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से पूरा जो है यहाँ पर लेक में आ रहा है। और काफ़ी अच्छा मतलब व्यू लग रहा है, शानदार। अभी जैसे मतलब शॉपिंग वगैरह हमने थोड़ी बहुत करी है तो उसका हमें ये एक्सपीरियंस मिला है कि यहाँ पर जितने भी मतलब दुकान वाले हैं ना उनके बिल्कुल फिक्स प्राइस है। सीधे मुंह पे कहते हैं कि भाई फिक्स प्राइस है, 1 रुपया ना कम करना ज़्यादा करना। यहाँ की जो इनकी यूनियन है ना इन्होंने पूरी साठ काट कर रखी ना भैया, फिक्स प्राइस ही देना है। सारे ने सलाह बना रखी है 1 रुपया कम नहीं करना, फिक्स प्राइस है सबके। तो बार्गेनिंग वगैरह का सोच कर तो भाई यहाँ पर आप नहीं कर सकते शॉपिंग। टूरिस्ट प्लेस है, पब्लिक लेगी। हाँ लेगी लेगी, अगर आप आ रहे हो तो बार्गेनिंग की बिल्कुल भी होंगी मत करना यहाँ पे मार्केट में, है ना। महंगी है, महंगी है। हाँ महंगी है थोड़ी, लिटिल एक्सपेंसिव कह सकते हो, है ना, एज कम्पेयर टू दी मतलब जो आपका नॉर्मल आपका मेरिट के प्राइस। हाँ मतलब जो रीजनल आपके प्राइस है लोकल के। बाकी चलते हैं अब बैक टू माल रोड एट नैनीताल। तो अभी तो हमारा यहीं पर प्लान है अराउंड 2-3 घंटे घूमने का, और सुबह जो है यहाँ पे एक आध व्यू पॉइंट है वो देखेंगे हम। तो भाइयों मिलते हैं आपसे आगे, स्टे ट्यून्ड और कमेंट कर देना कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। पूरी सीरीज जो अपनी चल रही है मुक्तेश्वर नैनीताल और भीमताल की जो हमने करी है, कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है भाइयों मिलते हैं आपसे आगे। तो ये भाइयों आ चुके हैं अब हम यहाँ पर टी पॉइंट पर, और यहाँ से ये मार्केट जा रहा है इधर वाला तिब्बत मार्केट, और वो सामने है बड़ा बाजार। तो पहले चलते हैं भाई तिब्बत मार्केट में और देखते हैं कैसा मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट है भाई, माल रोड काफ़ी लंबी है इसकी, मतलब इतनी बड़ी माल रोड है ना मसूरी की भी नहीं है, काफ़ी लंबा मार्केट है। और इसमें भी मार्केट बटा हुआ है, ये तिब्बत मार्केट है जिसमें हम फिलहाल चल रहे हैं अभी। और इसके जो सीधा राइट में जा रहा है वो है अपना बड़ा बाजार। ये देखो नीचे पार्किंग का पूरा स्लॉट है, लेकिन पार्किंग का तो तगड़ा इशू है ना भाई यहाँ पे,
गाड़ी लाना तो समझो आफत ही है भाई। और अगर होटल बुकिंग कर रहे हो आप तो वो पहले से ही करके आ जाओ आप प्री बुकड, तो बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर आप आओगे ढूंढोगे पार्किंग का बहुत इशू है, सिरदर्दी इतनी तगड़ी हो जाएगी ना बस सारा घूमने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जो है होटल की बुकिंग वगैरह पहले से ही करके आए, अपना पार्किंग वगैरह वहीं पर आपकी होटल में हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से पैदल घूमो। साइकिल भी मिल जाती है रेंट पर, बाइक मिल जाती है रेंट पर, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये भाई यहाँ पर हमें एक मिली है क्रेटा खड़ी, उसकी ग्रिल चेंज कर रखी है भाई ने, बताना आप कमेंट करके कैसी लगी इसकी ग्रिल। बाकी इसने साइड गस का जो प्रोफाइल है ऊपर की क्रोम वो भी ब्लैक पट्टी करा रखी है, अलॉय व्हील लगा रखी है। कैसी लग रही गाड़ी हो? हैं मुझे तो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही हो। आगे की ग्रिल सही सी लग रही, मुझे तो ऐसी लग रहा है थर्ड पार्टी सी हो। थर्ड पार्टी तो कह सकते हैं, हाँ मतलब है तो थर्ड पार्टी, लेकिन मतलब वो एक प्रीमियमनेस वाली फील वो लगी, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, लुक वाइज अच्छी लग रही है ना। तो ये है भाई यहाँ पर पूरा तिब्बत मार्केट, यहाँ पे आपको सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो अभी तो यहाँ पे खैर दुकानें बंद हो गई है ऊपर की साइड। अच्छा है मतलब मार्केट अच्छा है, व्यू तो लगा थोड़ा। हाँ तो ये पूरा मार्केट है भाई अपना तिब्बत मार्केट, काफी सुंदर बनाया हुआ है देखो खुले एरिया में। हाँ और यहाँ पे बाइक वगैरह नहीं चल रही बिल्कुल, जो है पैदल सवारी है अपनी, 11 नंबर की गाड़ी से लोग घूम रहे हैं। और एक चीज और खास लगी यहाँ पे, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैमरे से, ये देखो भाई जितनी भी यहाँ पर शॉप्स है उनके शटर पे ना आर्ट बना रहा, बहुत ही सुंदर। ये देखो ये घेर दिया भाई ने शटर, हर दुकान के शटर पे ना कोई ना कोई डिफरेंट तरह का आर्ट बना हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी। आ चुके हैं भाइयों हम सीधा बड़ा बाज़ार में, यहाँ पे भी हर तरह की आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन बाइक वगैरह भी चलती है यहाँ पे। ये कौन सी बाइक है? बढ़िया लग रही है, पल्सर को मोड़े हुए कर देगा ना पल्सर ही। हाँ ये चल रहा है भाई यहाँ पर ऑन रोड अपना गैम्बलिंग बता रहा भाई, ये कैरम बोर्ड देखो खेल रहे हैं अंकल जी, बहुत ही शानदार ये सिस्टम सही है, सरेआम चल रहा है, सरेआम सट्टा चल रहा खुली खुली गजली। यहाँ कैसे इतनी भीड़ लगी हुई है, चले क्या? लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। गाय की चली यहाँ पे गाय की, बहुत ही शानदार चला रखा भाई ने लाइट, वाह। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए क्या कह रहा वरुण, हंस की तो बिखरे फिर रहे, इतने हंस की देख ली भाई हमने यहाँ पे। अरे नहीं पीछे देसी कुत्ते हो गए, एक बार छोड़ देना मालिक ने, देसी कुत्ता रेल बनाना क्या क्या लगवाना पड़ा है, यहाँ खुल रहा है एक ठंडी लगा है ना, देसी कुत्ते को छोड़ देना रेल बना देगा इसकी, इसकी रेल बना दे काप गया अभी दो कुत्तों में काप गया। तो क्या हाल है भाई सबके, गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, और ये देखो भाई सुबह का मॉर्निंग व्यू, क्या शानदार व्यू आ रहा है भाई, सूरज नहीं निकला अभी, बिल्कुल सीधी रेंज दिख रही है पहाड़ों की, चांद भी निकला हुआ ऊपर, ऊपर की साइड ब्लू स्काई, और ये जो लाली आ रही है ना आसमान में बहुत ही मतलब शानदार, क्या कहना चाहोगे भाई, बहुत प्यारी व्यू आ रहा है फिलहाल सुबह सुबह, अभी थोड़ा कम निकला है कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी जाओ कहीं पे घूमने के लिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उठे और मॉर्निंग व्यू का मजा ले। तो भाई सुबह सुबह हम आ चुके थे स्नो व्यू पॉइंट के लिए नैनीताल में, इतना गंदा रास्ता है ना भाई यहाँ का, बस क्या ही कहने, सिंगल वे है बिल्कुल और सीधी चढ़ाई, सारा रास्ता टूटा पड़ा, ना ही यहाँ पे कोई पार्किंग का जुगाड़ ऐसा, तो बहुत ही मुश्किल से हमें ये स्पॉट मिला है, यहाँ पे गाड़ी हमने खड़ी कर दी और अब जा रहे हैं हम सीधा ऊपर की तरफ स्नो व्यू पॉइंट का नज़ारा देखने के लिए। गाइस रेडी हो? कोई दुकान नहीं खुली देखो भाई, अभी सब बंद पड़ा है, चाय वगैरह भी नहीं मिली हमें कहीं पे बीच में रास्ते में, तो काफ़ी जल्दी आ गए हम, पहले स्नो व्यू पॉइंट देखते हैं उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। आया ले ये बिल्ली मिली हमें, अरे वाह बहुत ही फ्रेंडली है, तो बहुत फ्रेंडली है, तो हैं लो चाबी में बैठ जाओ पकड़िए।
ये हमें एक प्यारी सी कैट मिली है यहाँ पर स्नो व्यू पॉइंट पर। लो आ जाओ लो, चलो ये हमारे साथ व्यू पॉइंट देखने के लिए जा रही है ऊपर की साइड। आ जा, बैठ गई सर, जाना मत दीजिए सर। ये है भैया यहाँ पर स्नो व्यू पॉइंट। कैसा लगा? पर इससे वो उससे अच्छे नहीं है जो हमने कल देखा था मुक्तेश्वर में, वो तो नेक्स्ट लेवल था। ये चीज है थोड़ा पहाड़ सा होता है, ये थोड़ा इन्होंने यहाँ पे घेर लिया है। आया आया, देखो लो खेल रही थी किसी के साथ। आ जाओ, लाओ कैसे लुकी, कौन है? पकड़ो, योर टर्न। तो ये है भाई यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट सामने, आप देख सकते हो हिमालयन की रेंज आपको यहाँ से दिख रही होगी। ये देखो पूरी स्नो वहाँ पर ग्लेशियर जमी हुई है। बाकी ये अपना है नैनीताल का पूरा फॉरेस्ट एरिया, तो ये उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर एक स्नो पॉइंट का, एक अच्छी सी लोकेशन। हो जा रही है हमारी बिल्ली, बाय 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 बाय। बात यह है ना, हमने मुक्तेश्वर देख लिया, जिन्होंने मुक्तेश्वर नहीं देखा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा ना, तो उसे तो ऐसे डेली गाड़ी देख रहे हैं। नहीं वैसे अच्छा व्यू आ रहा है, व्यू तो अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उससे क्लोज लग रहा है जो कल हमने वो देखा ना, उससे क्लोज लग रहा है, ये नजदीक लग रही है पहाड़ी। देखो भाई अभी बिल्ली यहाँ पे थी और अभी देख लो कहाँ चली गई। आया ले, आया देख कहाँ चली गई, फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। स्नो व्यू पॉइंट पर अगर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये। देख गैल गैल चल लिया तो है, फुल से फुल सिक्योरिटी में चल लिया हमारे साथ साथ। देखो कोई नहीं उठा भी, बेचारी अकेली घूम रही है हमारे साथ। आ जाओ ये है भाइयों नैनी झील का व्यू, मॉर्निंग व्यू। धूप निकल चुकी है ऊपर की साइड, देख सकते हो आप बोटिंग वगैरह यहाँ पे होती है, वो देखो कर रहा है वहाँ पर बोटिंग। 100 रुपये पर हेड मिल जाती है, मतलब है ना तीन आदमी के लिए 300 रुपये। और अब यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, सुबह का थोड़ा मॉर्निंग का अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये है यहाँ पर मसूरी की माल रोड, सॉरी नैनीताल की माल रोड, जो कि अभी सुबह सुबह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है।